अब हमारा मुआवजा नहीं है, अब मुआवजा नहीं है। समाज के दलाल अब छुप नहीं सकते, इंशाल्लाह हमारी मंजिल वहां है। यार कैनूला के जो एक जो चाहे सितम कर लो और भी खेल खेलो, हम शिकायत नहीं करेंगे। इंशाल्लाह हम शिकायत हम वहां पहुंचेंगे। इंशाल्लाह पहुंचोगे ना, पहुंचोगे ना। ये कुर्बानियां, ये जो खून बहा है ना। आज एक कलदम तंजीम की जानिब से जो जीटी रोड पर मुजाहरा किया जा रहा है, उसकी वजह से अमनो अमान की सूरत हाल कशीदा है। इसमें सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, इसमें जान और माल का नुकसान भी हुआ है। इस सिलसिले में जो तफसीलात हैं उससे आपको अभी आईजी पंजाब साहब आगाह करेंगे, जो मेरे साथ बैठे हैं, और बताएंगे कि हमारी हिकमत अमली क्या है। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कलदम तहरीक की जनब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फ़रोग दिया। इसी तरह 2017 में भी तोहीन रिसालत कानून के नाम पर भी उन्होंने फैज़ाबाद में धरना दिया। क्या रियासत इस बात की इजाज़त दे सकती है कि कोई एक ग्रोह पूरे मुल्क को यरगमाल बना दे और वो जिसे मुजरिम करार दे इसे सज़ा हो, जिसे बेगुनाह कहे इसे रिहा कर दिया जाए। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक रियासत अपने कवानीन बनाए और दाखला और खारजी फैसले भी इसी ग्रुप के मनपसंद हों। इस कलदम तंजीम ने दो दिन पहले भी मार्च के दौरान पुलिस एहलकारों को तशद्दुद करके शहीद किया और आज भी दर्जनों एहलकार जख्मी पड़े हैं। आज इन्होंने पुलिस पर सीधी गोलियां चलाईं, जिसके नतीजे में 263 पुलिस एहलकार जख्मी हुए और 4 शहीद हुए। इससे पहले धरने में इन्होंने 741 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया और 3 को शहीद किया। क्या ये सब पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी इदारों के एहलकार आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दोनों जहानों के लिए रहमतुलिल आलमीन बनाकर भेजा गया। यहाँ इन्हीं के नाम पर आशकाने रसूल एहलकारों पर तशद्दुद किया गया। इनके नाम का नारा लगाकर निजी और सरकारी इमलाक को तबाह किया गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रास्ते से पत्थर हटाना भी कारे स्वाब करार दिया है। यहाँ इन्हीं का नाम लेकर रास्ते बंद करने की कोशिश की जा रही है। क्या रियासत किसी गिरोह को इजाज़त दे सकती है कि वो अमन व अमान को सबोताज करे? ऐसा नहीं होगा। पंजाब के हर शहरी का तहफ़ हमारी ज़िम्मेदारी है। हर शहरी को पुरअमन माहौल की फराहमी हमारा फ़र्ज़ है और अमन व अमान की फ़ज़ा बरकरार रखना हमारा मिशन है। हम कानून की अमलदारी को
इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया।